जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में हमेशा झगड़ा लगाने का काम करती है। आज संविधान पर जोरदार हमला हो रहा है। बीजेपी जो अध्यादेश ला रही वो विपक्षियों के खिलाफ है। अगर मुल्क को बचाना है तो एकजुट होना जरूरी है। जब से सरकार बनी है गरीबी बढ़ी है। अगर मुल्क को बचाना है तो सभी को एक साथ आना होगा, तभी कल की बैठक में सकारात्मक परिणाम आएंगे। जिसका बाहर के मुल्कों में जाके ये ढोल पीटते हैं, वहां तालियां बजवाते हैं, तो उसका मुल्क के अंदर उसका गला घोटा जा रहा है। तो अगर अपोजिशन पार्टीज जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट में बुलडोज किया जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को, जम्मू कश्मीर के स्टेट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप उसी पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जो दिल्ली के खिलाफ है, दिल्ली के लोगों के खिलाफ है। तो अगर आज भी अपोजिशन इकट्ठे नहीं होती तो मुझे लगता है 2024 में ना अपोजिशन बचेगी ना अपोजिशन लीडर बचेंगे जो हमारे साथ किया। 2019 में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने अरेस्ट कर दिया। हमारा कसूर कुछ भी नहीं था। हमारे हजारों की तादाद में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, उनको जेलों में बंद कर दिया 2019 में। कसूर क्या था? कसूर ये था कि इनको मालूम था कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनली इनलीगली सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उनको सबवर्ट करके, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की उसको सबवर्ट करके एक ऐसा एक्शन लेने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हर चीज के खिलाफ है, जो आईडी ऑफ इंडिया के खिलाफ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए हमको भी बंद कर दिया, हमारे नौजवानों को भी बंद कर दिया, उनको मुल्क की डिफरेंट जेलों में डाल दिया और उनमें से आज तक भी सैकड़ों